विक्रम वेदा, ये धमाका हुआ था 2017 में तमिल इंडस्ट्री में। सोचा नहीं था कि ये विदे वाला सॉन्ग दोबारा देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनली बॉलीवुड लाया है एक और रिमेक विक्रम वेदा का। नाम सेम है, डायरेक्टर भी। जब डायरेक्टर सेम हो तो फिल्म में और भी जान आ जाती है। जो गलतियां उन्होंने ओरिजिनल में की हो तो उसे रिमेक में सॉल्व किया जाता है। विक्रम वेदा, जिनकी हम सिर्फ बातें ही सुन रहे थे, उनकी फाइनली टीजर रिलीज हो गई है, जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान को दिखाया गया है। विजय सेनुपति का अल्टरनेट निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो मुझे नहीं लगता था कि उन्हें बॉलीवुड में कोई रिप्लेस कर पाएगा, पर जो ऋतिक रोशन की रिप्लेसमेंट है वो बड़ी कमाल की है। उनका न्यू लुक जैसे फिल्म में नई जान आ जाती है। दूसरी तरफ सैफ अली खान जो एज अ विक्रम करेक्टर कर रहे हैं, उन्होंने अपने किरदार को बखूबी सर अंजाम दिया है। पहले इस फिल्म के लिए ओरिजिनल वेदा यानी आर माधवन को कास्ट किया गया था, पर वो फिल्म रॉकेट्री के शूट पर बिजी थे, तो फाइनली ये सीन सैफ अली खान को मिला। स्टोरी के डायरेक्टर सेम है, यहाँ तक के प्रोड्यूसर भी सेम है, मतलब कुछ डिफरेंट होने वाला है। रिमेक बोल के फिल्म को बायकॉट नहीं कर सकते, इसके मेन रीजन कुछ बताती हूँ। ओरिजिनल विक्रम वेदा का बजट था 11 करोड़ और रिमेक का 175 करोड़, जो ऋतिक रोशन की फिल्म वार से भी ज्यादा है। जब बजट ज्यादा है तो खेलने के लिए ग्राउंड तो मिलेगा ही। ऋतिक के न्यू लुक को स्कैरी दिखाने के लिए काफी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे उनके हाथ में गन्स आ जाती हैं। उनका डर लोगों में कम नहीं होना चाहिए। टीजर में उस फैक्ट्री को भी दिखाया गया है जहाँ क्लाइमेक्स होने वाला है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। रिमेक बोलकर बायकॉट नहीं कर सकते, थोड़ी सी तो तारीफ करनी पड़ेगी। एक बात और गारंटी देती हूँ, ऋतिक ऐसे टाइम पर एंट्री कर चुके हैं जब बॉलीवुड को सबसे ज्यादा जरूरत थी। बाकी आपको ओरिजिनल देखना पसंद है या रिमेक पर इंजॉय करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।